डेटा एंट्री एक्सेल में अगर अपन कुछ भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया वेस्ट, अगर मुझे नीचे आना है तो एंटर मार दूं, और अगर मुझे वापस वेस्ट टाइप करके साइड में जाना है यानी कि B2 में, तो टैब का बटन दबा दो बराबर। अब इसके अंदर कुछ एडिट करना है अगर वेस्ट के अंदर या ऊपर वाले के अंदर, तो इसको एक बार क्लिक करो और यहाँ पे आओ, कुछ भी चेंजेस यहाँ से अपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी को डबल क्लिक करो तो भी अपन चेंजेस कर सकते हैं बराबर। और एक्सेल के अंदर अगर अपन कोई वर्ड टाइप करेंगे, जैसे कि मेरा नाम है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा, और कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो राइट साइड में आएगा। देखो सेल के राइट साइड में, सेल के लेफ्ट साइड में बराबर। 10 की जगह अगर ओ दबाऊंगा ना तो भी वो लेफ्ट में जाएगा। ये देखो, इससे क्या मालूम पड़ा कि यहाँ पे नंबर के साथ में कोई टेक्स्ट भी है बराबर। उसके अलावा हम एक्सेल की शीट जो है वो जूम या जूम ऑफ आउट कर सकते हैं यहाँ से बराबर, जैसे अपने को सहूलत के एतबार से, जैसा भी अपने को चाहिए। आज अपन ऑटोफिल के बारे में देखते हैं बराबर। ऑटोफिल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैंने मंडे लिखा बराबर। अब ये जो पूरी प्लस का साइन बनता है, इसको अगर मैं खींचूंगा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अपने आप बन जाएगा बराबर। इसके अलावा अगर मैं फ्राइडे पे क्लिक करता हूँ, फ्राइडे मैंने बीच में लिखा बराबर, अगर मैं इसको इस तरफ से ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से बनेगा बराबर, और अगर इसको मैं इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो थर्सडे या फ्राइडे के पहले जो आता है, फिर वेनेसडे फिर ट्यूसडे फिर और घसीटूंगा तो उस हिसाब पे, अगर इसको मैं नीचे घसीटूंगा तो सैटरडे संडे आएगा, और अगर इसी को मैं ऊपर घसीटूंगा तो फ्राइडे के पहले थर्सडे वेनेसडे। समझ में आया, इजी वे है ये काम करने का, फटाफट काम होता है। इसी तरह नंबर के अंदर भी अपन सीरीज बना सकते हैं, मैंने 10 लिखा और नीचे 20 लिखा बराबर, दोनों को सेलेक्ट किया, अब मैं ड्रैग करूँगा ना 30 40 50 60 बराबर। इसके अलावा डे अपन शॉर्टकट भी ले सकते हैं, सिर्फ MON लिखा घसीटा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इसके अलावा जनवरी फरवरी भी शॉर्टकट में लिखो या तो पूरा लिखो, जनवरी शॉर्टकट में अगर मैं लिखा फेब मार्च अप्रैल मई जून, इसके अंदर भी वैसे ही है, अगर मैं ये अप्रैल को नीचे घसीटूंगा तो अप्रैल के बाद के महीने, अप्रैल को ऊपर घसीटूंगा तो अप्रैल के पहले के महीने बराबर। और इसके अलावा अगर मैं टाइम वगैरह भी दे सकता हूँ, समझ लो 8:30, उसके बाद मैं दिया हूँ 8:30 के बाद 45 मिनट फॉर एग्जांपल दिया मैंने, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर ड्रैग करेंगे तो 9 15 मिनट का डिस्टेंस के हिसाब से वो अपने वो दिखाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोफिल, इससे काम इजी हो जाता है। सिर्फ इसमें नहीं और बहुत सारी चीज़ में आप उन इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा डेट के बारे में देखते हैं। एक्सेल में जैसे ही आप उन डेट डालेंगे, फॉर एग्जांपल 5 तारीख 5वां महीना 2005, इस तरीके से आएगी बराबर। अब अगर इसके अलावा अगर आप इस तरह का डालेंगे 5 तारीख 5वां महीना 2012, तभी भी वो इस फॉर्मेट में आएगी। क्यों पता है, यहाँ अगर आप जाके देखेंगे डेट के अंदर तो ये वाली सेटिंग अपनी ऑन है। आई बात समझ में। इसके अलावा अभी फॉर एग्जांपल अपने को सारी लिस्ट यहाँ पे 2012 की बनानी है, यानी सन 20वीं सदी की 21वीं सदी की, तो यहाँ पे 4 तारीख 4वां महीना डालो, और 2012 है ना तो 2015 चाहिए तो खाली 15 डालो, अपने आप वो 2015 कर देगा। समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे अगर 3 तारीख 3वां महीना
1990 डाला। अब मैं जो भी कुछ करूँगा ना, फॉर एग्जांपल 2 तारीख, 3रा महीना, 80, तो वो लास्ट वर्ड से अपना 1900 लेगा, समझ गए? इस तरह से डेट की एंट्री होती है एक्सेल में। हाँ, तो टाइम का अपन देख रहे थे जैसे कि 2:30 दोपहर के हो रहे हैं, बराबर। अब इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करो नीचे की तरफ, तो एक एक घंटे के फासले पर सारी 3:30, 4:30, 5:30, फिर इस तरीके से, या फिर इसके अलावा इस पर राइट क्लिक मारो, बोल रहा है फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली या फिल विदाउट फॉर्मेटिंग या कॉपी सेल, तो फॉर्मेटिंग ओनली पे क्लिक करो, बराबर। अब अगर आप कुछ भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल के 2 के बाद 3 बजता है ना, 3:15 टैप करो, अपने आप उसके आगे का, बराबर 4:30, तो जो भी है उसके आगे का आते जाएगा। तो ये डेट और टाइम की सेटिंग थी। अभी थोड़ा अपन अंडू और रिडू की 2 कमांड के बारे में सीखेंगे। अभी ये जो बनाया हुआ है, बराबर, अभी मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ, बराबर। इस लाइन को भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं ऑटो फिल कर देता हूँ, बराबर। अब अगर मैं बाद में चाहता हूँ कि ये पहले जैसे हो जाए, ऐसे नहीं रहे, तो यहाँ पे एक बटन है अंडू, बराबर, कंट्रोल जेड मारेंगे तो भी वो एक स्टेप पीछे चले जाएगा, बराबर। लेकिन अगर दोनों को साथ में मारना है, ऐसे बहुत सारे स्टेप है, तो यहाँ पे जाओ, ये 2 चीज़ को सेलेक्ट करो, बराबर, दोनों एक साथ हो गए। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ वापस लानी है, फॉर एग्जांपल ये वापस लानी है, तो यहाँ रीडू का भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चाहिए कि दूसरा ऑप्शन चाहिए, दूसरा चाहिए, तो इस तरीके से। और अगर पहला चाहिए तो इस तरीके से खाली एक लाइन वापस आएगी, बराबर। इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये डिलीट मार दिया और ये डिलीट मार दिया, 3 चीज़ डिलीट मारा मैं। अब मैं रिडू में जाता हूँ तो 3 क्लियर दिखा रहा है, पहला क्लियर लाना है या दूसरा या तीसरा। अगर तीसरा लाऊँगा तो ये वाला आएगा, ये वाला, बराबर, और दूसरा लाऊँगा तो 2 ही ऊपर के आएंगे। ये देखिए, पूरे चीज़ में अगर क्लिक कर दूंगा ना तो पूरे 20 आइटम अंडू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अपन 3 ही करेंगे, बराबर, 3 एक साथ वापस आ गए। तो ये अंडू और रीडू है। इसके अलावा अगर मैं ये सारी चीज़ सेलेक्ट, यहाँ से भी डिलीट मार सकता हूँ मैं, डिलीट सेल, तो ये सारे सेल डिलीट हो जाएंगे, या फिर डिलीट शीट रो, तो रो की जो चीज़ है वो डिलीट होगी, डिलीट शीट कॉलम, तो खाली कॉलम की चीज़ें डिलीट होगी, बराबर। फॉर एग्जांपल मैं डिलीट रॉ करता हूँ, बराबर, जो भी चीज़ रॉ में थी वो डिलीट हो गई। अभी एक्सेल के अंदर अपन कमेंट्स के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस चीज़ के बारे में मुझे डाउट है कि ये करेक्ट है कि नहीं, और मुझे अपने किसी भी क्लाइंट को, या फिर मैं अगर कहीं काम करता हूँ तो मेरे नीचे वाले को मुझे बताना है कि इसको बराबर से चेक करो, तो उसके लिए रिव्यू का कमांड है, रिव्यू में जाओ और इसके अंदर न्यू कमेंट्स में जाओ। ये मेरे कंप्यूटर का नाम है JK, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो चेक एक्यूरेसी ऑफ दिस सेल, व्हाटएवर, समझ में आया, एंटर मार दो। ये कमेंट इसकी हो गई। अब जब भी मैं इस पे आऊँगा ना तो ये कमेंट दिखाएगा, बराबर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कमेंट बाहर दिखाते रहे हमेशा,
तो यहाँ पे जाके शो हाइड कमेंट पे क्लिक कर दो, ये ऐसे ही दिखाते रहेगा। नहीं चाहिए तो आप जाके हाइड कमेंट पे क्लिक कर दो। यहाँ से भी कर सकते हैं शो ऑल कमेंट, और यहाँ से भी, और अगर कमेंट डिलीट मारनी है तो यहाँ से डिलीट मार दो ये कमेंट को, बराबर। अब वो नहीं दिखा रही है। तो ये था कमेंट के बारे में। अब एक्सेल के अंदर अब हम सेव करना सीखेंगे। ये बटन है सेव करने का, और अगर फाइल के अंदर जाएंगे अपन तो भी सेव कर सकते हैं। सेव, ये सेव एज, इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस और इसका कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर मैं सेव एज दबाऊंगा तो उसके बाद मैं अपनी लोकेशन देख सकता हूँ, मुझे कहाँ पर इसको सेव करना है, बराबर। अगर मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, जो भी अपने हिसाब से। इसका नाम चेंज कर सकता हूँ जो भी है, और इसका फॉर्मेट मैं ज़्यादातर 2003 के अंदर सेव करता हूँ, ताकि कितना ही पुराना फॉर्मेट का तो मतलब एक्सेल रहे तो उसके अंदर ये फाइल ओपन हो सके। उसके बाद सेव कर दो, बराबर। अब सेव हो चुका ही है। अब जितने भी दो चार स्टेप अपन आगे आते जाएंगे उसके बाद कंट्रोल एस दबाते रहो तो ये सेव होते रहेगा। इस तरह से इसको सेव करते हैं।